है वो कॉन्सेप्ट होता है सर्कम सर्कल या सर्कम रेडियस। कैपिटल आर से जाहिर करते हैं ये होता है एबीसी अपॉन फोर एरिया। वेट अ मिनट, अगर ट्राइंगल इक्विलेटर हो तो एबीसी आपस में बराबर हो जाता है, तो ऑफ कोर्स ए क्यूब ऊपर आ जाएगा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जब ट्राइंगल इक्विलेटर होता है रूट थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर, तो क्या होगा, फोर फोर कट जाएगा, ए क्यूब और ए स्क्वायर कटेंगे, ए अपॉन रूट थ्री रह जाएगा, ए अपॉन रूट थ्री, ये फार्मूला हो जाएगा कैपिटल आर का जब तीनों साइड इक्वल हो। कैपिटल आर यानी सर्कम रेडियस जब ट्राइंगल हो सर्कल के अंदर, और अगर उल्टा केस हो सर्कल अंदर हो ट्राइंगल बाहर हो तो ये कहलाता है इन सर्कल इन रेडियस। इन रेडियस का फार्मूला होता है एरिया अपॉन एस। अब एस क्या होता है, तीनों साइडों का सम डिवाइड बाय टू, और जब तीनों साइड इक्वल हो तो एस होता है थ्री अपॉन टू ए के बराबर। अब देखो यहाँ ये दोनों डिनोमिनेटर कटेंगे, ये टू पूरा कट जाएगा, यहाँ टू रह जाएगा, रूट थ्री थ्री से कटेगा, नीचे रूट थ्री रहेगा, ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी, तो स्मॉल आर इन रेडियस का फार्मूला हो जाता है ए अपॉन टू रूट थ्री। यानी कहा जाए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान से सुन लीजिए, और आपको इन रेडियस चाहिए तो ए दिया हुआ होगा उसको हम टू रूट थ्री से डिवाइड कर देंगे, और अगर सर्कम रेडियस हो तो भी ऑफ कोर्स ए दिया हुआ होगा उसको रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई ये फार्मूले भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और साथ साथ क्या पूछा जा सकता है, सवाल भी पूछा जा सकता है, दोनों आएंगे ये चीज़ें पेपर पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल। ये कहलाता है स्क्राइब रेडियस, स्क्राइब रेडियस या ई सर्कल का रेडियस। देखो एक्चुअली ट्राइंगल होता है और इसी ट्राइंगल से टच होता है सर्कल जो कि इसके बाहर होता है। आर वन होता है एरिया अपॉन एस माइनस वन, आर टू होता है एरिया अपॉन एस माइनस बी, और आर थ्री होता है एरिया अपॉन एस माइनस सी। वेल अगर तीनों साइडें इक्वल हो जाए तो हमें पता है एरिया हो जाता है रूट थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर, और एस हो जाता है थ्री अपॉन टू ए, तो आर वन आर टू आर थ्री बराबर हो जाएंगे, एस माइनस ए हो जाएगा वन अपॉन टू ए, और एरिया ऑफ कोर रूट थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर, तो फाइनली आ जाएगा रूट थ्री अपॉन टू ए, ठीक है, यानी ई रेडियस। ए की वैल्यू दी हुई होगी उसको रूट थ्री अपॉन टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई रेडियस। ये कब की बात है, जब इक्विलेटरल हो। वैसे तो देखो फार्मूले ये हैं, आर वन का ये, आर टू का ये, आर थ्री अलग अलग होते हैं बट इक्विलेटर में सेम होते हैं। अब एक बड़ी अहम बात, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ये एमसीक्यू बहुत आती है, स्मॉल आर यानी इन रेडियस, कैपिटल आर सर्कम रेडियस, और आर वन ई रेडियस का जो रेशो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कितना होता है, वन इज टू टू इज टू थ्री, वन इज टू टू इज टू थ्री। अब देखो आर वन आर टू आर थ्री एक ही बात है ना, तीनों सेम होंगे, और ऐसे आ जाए तब भी बात एक ही है, ये तो एक ही चीज़ है ना, आर वन आर टू आर थ्री, ठीक है मेरे भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। इफ सर्कम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर देन मेजर ऑफ इट्स इन रेडियस। देखो एक बड़ी अच्छी ट्रिक याद रखो कि इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशो होता है 1:2। अब अगर ये सर्कम रेडियस 10 दिया है तो इन रेडियस क्या हो जाएगा इसका, हाफ यानी कि 5। एक और बड़ा प्यारा सवाल आया था, द ट्राइंगल द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल लाइस इन साइड ट्राइंगल एंड इट्स रेडियस इज 3 सेंटीमीटर देन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देखो इन रेडियस का फार्मूला जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है ए अपॉन टू रूट थ्री, ये आपको आर दिया हुआ है इन्होंने थ्री, तो टू रूट थ्री उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्विलेटरल साइड आ जाएगी 6√3। फिर एक बड़ी अच्छी देखो थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है, इफ सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल लाइज आउटसाइड, ठीक है फिलहाल आउटसाइड की बात हो रही है, इट देन ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस, ठीक है ऑब्ट्यूस, जब भी आउटसाइड होगा ऑब्ट्यूस, हाँ अगर इनसाइड हो तो फिर एक्यूट होगा। फिर इसी तरह इफ एन ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन वर्टेक्स देन इट इज कॉल्ड, वर्टेक्स पे होगा तो राइट ट्राइंगल होगा। इसी तरह एक और अच्छी डेफिनेशन है अब जो बहुत आने लगी है पेपर में, ए मीडियन इज ड्रॉन ऑन बेस ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ इट्स बेस, ट्राइंगल विल बी राइट ट्राइंगल, इक्विडिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड इस, तो इसका आंसर होगा सर्कमसेंटर।